अच्छा, अब मैं जो है दोस्तों पापोश मार्केट की अंदर वाले हिस्से में आ चुका हूँ, जहाँ पे वो उस्मानिया मस्जिद और सारे दुपट्टे के रंगरेज वगैरह बैठे हुए ना, उस तरफ हूँ मैं। तो इस तरफ से थोड़ा सा वॉक करते हैं, उसके बाद अपनी वीडियो को एंड करेंगे। काफ़ी देर से मैं यहाँ पर आया हूँ और अरे यहाँ पे गाने चल रहे हैं, तो मुझे फ़ौरन यहाँ से निकलना पड़ेगा, कॉपीराइट का इशू आता है। तो क्या कह रहा था मैं आपसे, हाँ, एक घंटे से मैं यहाँ पर आया हूँ, तकरीबन बाहर का पूरा हिस्सा दिखाया है, चांदनी चौक का। काफ़ी लोगों ने कहा था कि वो इस नाम से ना इंडिया में भी इलाका है चांदनी चौक, तो मैंने ख़ास तौर पर इसलिए भी बनाई है क्योंकि इंडिया के काफ़ी व्यूअर्स जो है देखते हैं बड़े ज़ौक़ शौक़ से। और खैर, अल्लाह का शुक्र है, हर दुनिया भर से ही देखा जाता है चैनल, तो लोगों की रिक्वायरमेंट्स वगैरह भी पूरी करनी पड़ती हैं, और वैसे भी लाइफ स्टाइल है तो बाहर का मंजर जो है ज़्यादा लोग जो है दिलचस्पी से देखते हैं। लेकिन ज़ाहिर है सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं यहाँ पे, अब जाके जो है सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं दोस्तों, तो मार्केट का थोड़ा मैंने कहा रुख करना चाहिए, देखें क्या माहौल है और लोग हैं नहीं हैं। बाहर तो बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो है ना थोड़ा चहलकदमी गहमा गहमी कुछ रौनक नज़र आई है मुझे। तो ये सब जो है लीलन वीलन चल रहा होगा अभी सर्दियों में। तो देखें भाई साहब खैरियत से, अंकल ये क्या हिसाब दे रहे हैं, ये एक लीलन का सूट कितने का है पीस? 1500 रुपये सूट है आपके लिए, 1300। अच्छा, 1300 रुपये का। भाई पहचान लें हमारे अंकल को, हम हमारे पुराने जो है ये दुकानदार हैं, काफ़ी अरसे से यहाँ पर काम कर रहे हैं, कई दफ़ा मैं भी ख़रीद चुका हूँ अपने घर के लिए इनसे चीज़ें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बारकल्लाह। तो लोगों से शनासाई हो जाती है, जब आओ ना दो तीन दफ़ा आ जाओ तो। अच्छा, यहाँ शेडो लगाया हुआ है वरना धूप आती है, ऊपर जो है ना शेड्स लगाए हुए हैं ताकि नीचे तक धूप धूप ना आए। हालांकि अभी तो मौसम ऐसा है कि धूप भी अच्छी लग रही है, ठंडी ठंडी ठंडे ठंडे मौसम में हल्की हल्की धूप, विटामिन डी मिल रहा है आपको। देखिए साले ज्वेलरी वगैरह, अस्सलाम वालेकुम, ऐसी ऐसी ज्वेलरी वाकई आर्टिफिशियल में नज़र आ जाती है कि यकीन नहीं आता कि ओरिजिनल है या आर्टिफिशियल है, ऐसे ऐसे डिज़ाइन आ गए हैं। ये देखें रिंग्स ज़्यादा लोग पहनते हैं आर्टिफिशियल, 350 रुपये। ये इयररिंग्स भी अच्छे लग रहे हैं भाई, ये कितने का सेट है? 200 रुपये का। काला कितने दिन के बाद होगा काला? एक अंदाजन होता है ना, अंदाजा वक्त तो चीज़ें नहीं है। हाँ, इस्तेमाल के ऊपर भी फर्क है, परफ्यूम वगैरह से इंसान बचा है इसको, है ना, कहीं गया। ये बड़ा प्यारा लग रहा है यार, वापसी लगती है। ठीक, कैचर आजकल बहुत चल रहे हैं, कैचर नया है ये लटकन वाले। अच्छा, हाँ भाई दूर से अच्छा लग रहा है, देखें घुमाने में। चलें जी, यार वो यहाँ पे वो देते भैया खाना खाने गए, खाना खाने गए। अच्छा, उमर उमर नाम है ना उनका, भाई मैं रश में ना फंस जाऊँ दोस्तों, तो इसलिए यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। ब्राइडल सूट्स वगैरह भी बड़े वीआईपी लगे हुए हैं फैंसी में, इस तरफ दोनों तरफ ही स्टॉल्स हैं और दोनों तरफ दुकानें भी हैं ब्राइडल सूट्स की, काफ़ी जो है यहाँ पे वैरायटी है। यहाँ पर भी है, पूरी गली है अंदर, सारे वहाँ पे जो है काम वगैरह जो है आप बनवा सकते हैं, प्लेन सूट लेके जाओ और ये के वहाँ पे अपने डिज़ाइन से जो है आप इनको काम वगैरह बनवा सकते हैं। तो ये सब, अस्सलाम वालेकुम अंकल, काफ़ी सन्नाटा लग रहा है आज सर्दियों में, लोग इतने मतलब रुख नहीं गया लोगों ने। हाँ, कल रश होता है, सही। एहराम भी होते हैं आपके पास? अच्छा, तोलिए वाले कहीं लगे हुए हैं, दिखा सकूँ मैं? अंदर होंगे। अच्छा अच्छा, और ये क्या है? लेडीज शॉल है, वेलवेट है ना, कितने की है ये? अच्छी लग रही है, हाँ की बिक जाती है, सही। अच्छा, लेडीज़ भी है आपके पास और जेंट्स भी हैं, दोनों वैरायटी है। ठीक है, शुक्रिया। कराची लाइफ स्टाइल, मैं हाथ क्या दे ही दूँ अपना कार्ड दोस्तों, थोड़ा ना टाइम की वैसे ना मैं निकाल नहीं पा रहा, काफ़ी सारे मैं लेकर आया था, एक हाथ बचा हुआ है खाली बस।
ये लीजिए, अगले हफ्ते इंशाल्लाह आ जाएगी 10-12 दिन में वीडियो, ठीक है। तो जी ये माहौल है यहाँ का, बच्चों के कपड़े, ज्वेलरी और इनर गारमेंट्स वगैरह। अस्सलाम वालेकुम। ये हाय गाइस का जुमला है ना, ये बड़ा अजीब सा लगता है, मतलब मुझे तो फॉर्मल सा लगता है, मतलब बेतकल्लुफी जो है ना इसमें नहीं है। इंसान अपने अपनाइयत के साथ जो ज़बान है ना सलाम करे, या फिर हाँ भाई क्या हाल है, खैरियत से हो। तो ये बनावटी चीज़ें ना यार मुझे दोस्तों पसंद नहीं है। हाय गाइस करके लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैनल, खैर बहरहाल हर किसी की अपनी अपनी एक जो है स्टाइल होता है। चलें आगे बढ़ते रहते हैं। चलो 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 भाई चलते रहो, हम आगे की तरफ जाएंगे। अब जो दुपट्टे वाले रंगरेज बैठे हुए ना, थोड़ा उस तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, लेकर चलता हूँ। कभी उस तरफ मेरा रुख नहीं हुआ, तो आज जो है पूरी मार्केट चलें भाई, बड़ी रौनक वाली मार्केट है यार ये, बड़ी पुरानी मार्केट है, और सबसे ज़्यादा कराची की मार्केट्स में मैंने इसी मार्केट की वीडियोस बनाई हैं। मैंने तारिक रोड, हैदरी, सदर, ये बड़ी बड़ी मार्केट्स में इनका भी शुमार होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं यहाँ पर आया हूँ। कराची वॉक टूर की एक पूरी प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे दोस्तों, तो वो आप जाके देख सकते हैं, अपने मतलब की वीडियोस आपको वहाँ मिल जाएंगी, खाने पीने की अगर आप शौकीन हैं तो। बाकायदा पूरा एक मैंने उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, टेस्ट ऑफ कराची, तो उसमें जो है ना हमारे सारे जो काफ़ी लोगों ने तो खैर मुझे इनवाइट किया हुआ है उसमें, क्योंकि मैं खाने पीने की इतनी नहीं बनाता, तो जो लोग मुझे बुलाते हैं तो फिर वहाँ पे जाके मैं सूप वगैरह की, जैसे अभी रिसेंटली कबाब की कोई जो है ना ओपनिंग हुई थी, होटल था एक पता नहीं कहाँ पर, रेस्टोरेंट था, अभी इस वक्त याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने मुझे बुलाया था, काफ़ी यूट्यूबर्स को बुलाया था, तो वहाँ पर हम लोग गए थे। तो खाने पीने की खैर मैं इतनी नहीं बनाता, ज़्यादातर मैं कल्चर दिखाता हूँ, मार्केट्स दिखाता हूँ। मुख्तलिफ लोगों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि भाई आप वहाँ जाएँ वहाँ जाएँ, तो उनके कहने से कभी कभार आ भी जाते हैं, लेकिन रिस्पांस इतना नहीं मिलता। तो जाहिर है जो लोग पसंद करते हैं फिर वहीं जो है मैं जाता हूँ, वही चीज़ें दिखाता हूँ। और जैसे कि मेरा चैनल का टॉपिक यही है, लाइफस्टाइल, तो वो सब जो है ना इसमें आ जाता है हमारा, ये सारे पीको वाले, दुपट्टे वाले, रंगे सारे जो है यहाँ पर बैठे हैं, देख रहे हैं रंग बिरंगा सा पूरा माहौल है, कंजेस्टेड है। शुक्र है यार इस वक्त इतना रश नहीं है, वरना जितनी पतली जगह है ना ये दोस्तों, तकरीबन 5-6 फीट की जगह है ज़मीन पे, देखें, और यहीं पर लोग आ भी रहे होते हैं, जा भी रहे होते हैं, और एक गहमा गहमी सी होती है, एक रश होता है। ईद के दिनों में तो भाई यहाँ पर जो है पैर रखने की जगह नहीं होती, इतना रश होता है यहाँ पर। तो ये पीको वीको चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, बना सकता हूँ आपकी वीडियो, नाराज तो नहीं होंगे। अच्छा भाई, तो ये सारे स्टॉलर्स ही कहा जाता है ना मेरे ख्याल स्कार्फ को, और ये जूतियाँ, सैंडल्स, स्कार्फ वगैरह, ठीक है, शलवार शमीज़ का कपड़ा यहाँ दस्तियाब है, बड़ा रंग बिरंगा लिखा हुआ है यहाँ में यार, ये वाला है नहीं आता, वो आता है हाथी वाला है। अच्छा भाई, तो पीको ही चल रहा है हर जगह। आपकी शॉप की ले ली मैंने यार, आपकी शॉप की बना ली। क्या बना रहा है भाई, आपको कहाँ की बनवानी है जल्दी बताएं, मेरा कैमरा ऑन है यार। हमारी क्या बात है सना जनाब, आप ऑनर है इस दुकान के? अरे हम भरचीन हैं। माशाल्लाह, क्या नाम है आपका? आपका लारेब। लारेब जी, बड़ा यार एक्टिव बंदा है, काफ़ी देर से मैं दोस्तों चलता हुआ आ रहा हूँ, तो सब हाय कर रहे हैं, हेलो हाय कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बुलाया, मेरे को पता नहीं कोई खास बात होगी, लेकिन इनकी वीडियो बना रही थी, तो भाई देख लें, भाई की शादी वादी मेरे ख्याल नहीं हुई, तो कुछ नहीं, नहीं, हो गई दो बच्चे हैं। अच्छा, चले अल्लाह ताला आपके बच्चों को खुश रखे, बरकत दे, इनका भी एक बच्चा है। अच्छा, चले हाय कर दें भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, अंदर ही बैठे हुए। ओके भाई नुमान, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू, वेलकम। चलें भाई बस एंड करेंगे अपनी दोस्तों वीडियो को, एक घंटा हो गया मुझे आए हुए,
तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा, सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करें यार, पसंद आया करें तो लाइक कर दिया करें, सपोर्ट मिल जाती है, यूट्यूब आगे रिकमेंड करता है, फिर अगर वीडियोस लोग पसंद करते हैं ना, लाइक करते हैं, तो फिर वीडियोस यूट्यूब खुद ब खुद आगे भेजता है, फिर सर्चिंग में आती है, तो थोड़ा ये इस तरह से कॉपरेट हो जाता है आप लोगों की तरफ से। बस यहाँ पर आगे मेरा ख्याल है मार्केट ख़त्म ही हो गई है, देखें ये यहाँ पर आगे बाहर आ गए। अच्छा भाई ये बैक साइड वाले हिस्से में आ गए पापोश के।